हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर। नमस्कार। तो यहाँ पर एक न्यूज़ को मैं शेयर करने वाला हूँ आप सभी को, जैसा कि ज्ञात होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, कल रात में मैंने एक वीडियो डाला था 9:30 के आसपास। उसमें मैंने बताया था कि आपका जो TET का लेवल है वो स्नातक स्तर तक होने वाला है। तो फिलहाल घबराने की बात नहीं है। नीचे कमेंट में मैंने लिखा था कि शायद वो आपकी रांची की न्यूज़ हो सकती है, झारखंड की न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जैसा कि उसमें जैक लिखा हुआ है और वो चीज़ मुझसे मिस हुई थोड़ा सा पढ़ने में। भाई, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, तो फिलहाल मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। ऐसे में आप सभी लोगों से कहने का मतलब यह है, परेशान मत होइएगा। अभी फिलहाल वो आपके यूपी के लिए न्यूज वो नहीं है, लेकिन आप आश्वस्त होकर के अभी आप पढ़िए पूरी तरीके से। वही आपका 1-5, वही 6-8। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि आने वाले समय में आप इस चीज से बिल्कुल से भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते, या आप ये नहीं कह सकते कि ये चीजें लागू नहीं होंगी। रीजन ऐसे उसमें आपने भी नहीं सोचा होगा कि कभी आपने ये सोचा होगा कि TET निकलने के बाद भाई शिक्षक भर्ती क्या होती है, लेकिन फिलहाल शिक्षक भर्ती आई। अभी जैसे नई शिक्षा नीति जो फिलहाल आ रही है, आप उसकी अगर उसको लेकर के बात करो तो उसमें है कि भाई प्रोबेशन पीरियड को लेकर के आप बात करो। यहाँ पर बीएड वाले बिल्कुल से बुरा ना माने, लेकिन आप बीएड वालों, आपने भी BTC वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि बीएड प्राइमरी भी आ जाएगा। चीजें चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। अब आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे कि जो चीजें आने वाली हैं अभी से क्यों परेशान होना, तो मैं आपको बता दूं भाई, देखो पहले से ही आप सोच के चलते हो सारी चीजें कि ठीक है पेपर यहाँ होगा, इतने टाइम पे होगा, हमको इतना इतना ऐसे कवर करना है। तो ओवरऑल यही था कि वहां पर फिलहाल थोड़ी सी मुझसे गलती हुई थी। ऐसे उसमें न्यूज कहीं के लिए भी हो सकती है, वो TET का था, वो झांसी की न्यूज थी, सॉरी रांची की थी, और अगर आप बात करते हो झारखंड, लेकिन आपके यहाँ भी लागू हो सकती है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो TET का जो लेवल है वो जैसा 1-5, 6-8 है वही चल रहा है। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। रही बात इलेक्ट्रॉनिक स्टडी को लेकर के यहाँ पर, तो आपके पूरे सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। शाम को 5 बजे वीडियो आता है, ठीक है। आप आज गणित का वीडियो आएगा, शाम को हिंदी के लेक्चर को लेकर के 7 बजे हम बात करेंगे। और इसके अलावा कोई आपके सुझाव हैं, कोई सवाल है मेरे लिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और फिलहाल जो है बाकी चीजों से जो है हट करके आप पढ़ाई पर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। इतना ही था जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था। हम कहे सुबह ही आपको बता देते हैं, रात काफी हो गई थी, जिससे कि मुझे ज्ञात हुआ मुझे। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं एक नई जो है क्लास में, एक नए वीडियो के साथ में। शुक्रिया।